जीप इतनी है क्या? बड़ी गाड़ी है उसमें, बड़ी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर हो गया, चुनाव का माहौल है और इस चुनावी माहौल में नेता लोगों से कोई ना कोई ऐसी गलती हो ही जाती है जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के साथ, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही है। जीप इतनी है क्या? बड़ी गाड़ी है उसमें, बड़ी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर हो गया, फॉर्च्यूनर। वायरल हो रही वीडियो में आप हेमा मालिनी को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देख सकते हैं। अपने उड़न खटोले से उतरने के बाद वो उस कार तक पहुंचती हैं जिसकी व्यवस्था पार्टी वर्करों और उनके समर्थकों ने की थी। ये कार हेमा मालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो भड़क गई। अपने लिए दूसरे वाहन की डिमांड करते हुए हेमा मालिनी को ये कहते हुए साफ साफ सुना जा सकता है, अरे जीप वीप नहीं है क्या, इसमें मुझे नहीं जाना। जीप इतनी है क्या? बड़ी गाड़ी है उसमें, बड़ी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर हो गया, फॉर्च्यूनर। बात तो सही है, अब आई उड़न खटोले से हैं और इन्हें फॉर्च्यूनर तक नहीं मिल रही, और जब फॉर्च्यूनर मिली भी तो उसमें ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पहले से एडजस्ट नहीं मिली। तो सांसद साहिबा ने वहां मौजूद लोगों से पहले तो फॉर्च्यूनर की सीट एडजस्ट करवाई और फिर उसमें जाकर सवार हुई। बहरहाल ये वीडियो कब की है और कहां की है ये तो साफ नहीं हो पाया, मगर करीब 1 मिनट 20 सेकंड की वायरल हो रही इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो पर सुनाई दे रही हेमा मालिनी की बातचीत पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई सोशल मीडिया यूजर इसे हेमा मालिनी के गुस्से से जोड़ रहा है तो कोई कुछ और लिख रहा है। अच्छा, अभी एक मिनट लगेगा बस वहाँ पार्किंग।